अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी उंगलियां अपने आप क्यों चल रही है और ये निशान कैसा? मेरा हाथ अपने आप इस निशान को क्यों बना रहा है? ये मैं कहाँ हूँ? चिंता मत करो, तुम सुरक्षित जगह हो। चमत्कार हुआ है तुम्हारे साथ, तुमने तो इस दुनिया को अलविदा कर ही दिया था। जरूर कोई तुम्हारे लिए दिल से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए तुम्हें दूसरा जीवन मिला है बेटी। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस आई हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? तुम्हें तो ध्रुव भैया के साथ रहना था ना, तो जाओ उनके साथ और करो अपनी नई जिंदगी एंजॉय। करना तो वही चाहती थी मैं, लेकिन क्या करूं, अपनी छोटी बहन की चिंता मुझे यहाँ खींच लाई। महक मैं बदल गई हूँ, मुझे पता है तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तू हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचती आई है और मैं कितनी बेवकूफ रही हूँ। मैंने तो तुझे मारने तक का प्लान बना लिया, लेकिन महक अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे हमारी माँ की कसम। कहीं ऐसा ना हो दीदी कि आपकी कसम के चक्कर में हमारी माँ ही हमसे छिन जाए। माँ को कुछ नहीं होगा क्योंकि इस बार मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मैं तुझे बचाने आई हूँ उस अग्निवंशी फैमिली से। वहां पे सब लोग एक दूसरे का बुरा चाहते, सब एक दूसरे के दुश्मन है। मैं नहीं चाहती कि उनके बीच में तुझे कुछ हो जाए। प्लीज मेरी बात को समझ महक, हम दोनों जाके माँ के साथ रहेंगे। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। महक मेरी बात को समझ, तू जितना एकांत को नहीं जानती उसे मैं जानती हूँ। दीदी मिस्टर अग्निवंशी मुझसे प्यार करते हैं। और वो तेरी जान भी ले सकता है। अगर उसे ये लगा कि तू उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। महक मेरी बात समझ और चल मेरे साथ। तू एक मिनट, ये आवाज कौन? किसके बारे में पूछ रही हो तुम? मेरी बहन निहारिका, वो मेरे साथ ही गाड़ी में थी और फिर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। वो गाड़ी नीचे गिर गई। आपने उन्हें देखा है क्या? हमें सिर्फ तुम मिली थी जंगल में और तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे साथ ही थी गाड़ी में। इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन वापस मिली थी।
हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने ही वाले थे, क्या आपने मुझे उससे छीन लिया। मैं गाड़ी में बॉम्ब है, ये देख। मैंने कहा था ना, एक आंच बहुत खतरनाक है, वो हमें मारना चाहता है। मिस्टर अग्निवंशी, आपने गाड़ी में बॉम्ब रखवाया था, आप मुझे मारना चाहते थे। मिस्टर अग्निवंशी, अब आपसे सारे सवाल मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर करूंगी। बहुत देर हो चुकी है मिस्टर अग्निवंशी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी जिंदगी में जाके कुछ पुराने हिसाब चुकता करने। बैठ इधर, बैठ इधर, बैठ बेटा, सुन मेरी बात सुन। तू क्या ही, क्या ही, तू तू ठीक है? माँ, माँ मुझे हर जगह महक दिखाई दे रही है। एकांश? हाँ माँ, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं, मुझे पता है, मैं महसूस कर सकता हूँ उसे। माँ एकांश, मेरी बात सुन, वो जो गाड़ी थी वो बहुत गहरी खाई में गिरी, उस गाड़ी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला, पुलिस 2 दिन से छानबीन कर रही है। एकांश, महक का बचना नामुमकिन है बेटा, नामुमकिन है। क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे बार बार वो नजर आती है? क्यों क्यों उससे जुड़े हुए वो अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं मुझे? माँ क्यों 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 हो रहा है? शांत हो जा। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।